नमस्कार, हिंदुस्तान टुडे देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भूमिका। आइए देखिए खबर। केंद्र सरकार के द्वारा दिनों दिन बढ़ते हुए रसोई गैस और पेट्रोल के दामों को लेकर आज आम आदमी पार्टी ने जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रदर्शन किया और जोरदार नारेबाजी की है। आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष भैया लाल कुशवाहा के नेतृत्व में आज आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता खाली गैस सिलेंडर लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे और कमर तोड़ महंगाई के विरोध में मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। कलेक्टर दतिया को महामहिम राष्ट्रपति महोदय के नाम सौंपा ज्ञापन। ज्ञापन में राष्ट्रपति महोदय से तत्काल बढ़ी हुई कीमतें वापस लेने की मांग की गई। प्रदर्शन करने आए आम आदमी पार्टी के जिला प्रवक्ता रवि वंशकार ने चेतावनी दी है कि कीमतें कम नहीं हुई तो समस्त जिलों में आम आदमी पार्टी प्रदर्शन करेगी। ज्ञापन देने वालों में इकरार, राजवीर, नाजिर, मधुसूदन, जेपी कुशवाहा शामिल थे। दतिया से संवाददाता अंकित जैन की रिपोर्ट। मोदी सरकार द्वारा जो गैस और पेट्रोल की जो बढ़ती हुई कीमतें हैं इसके विरोध में आम आदमी पार्टी विरोध प्रदर्शन करने के लिए आई और ज्ञापन देंगे। और अगर राष्ट्रपति महामहिम के नाम ज्ञापन है कलेक्टर साहब को, अगर शीघ्र से शीघ्र बढ़ती हुई पेट्रोल की कीमत और गैस की कीमत अगर नहीं होती है तो पूरी आम आदमी पार्टी समस्त जिलों में विरोध प्रदर्शन करेगी।